बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत होंगे। आज हम लोग हाजिर हों आप लोगों के साथ एक नए ब्लॉग के साथ, और जो हमारा ये ब्लॉग आज का है वो एक दफ़ा फिर बिल्कुल ही डिफरेंट होने वाला है। पिछले ब्लॉग से ये बिल्कुल ही डिफरेंट होगा, तो थोड़ा सा हम आप लोगों के लिए जो इसको ना सरप्राइज रखेंगे, तो स्टे ट्यून्ड और देखिएगा। जैसे हम लोगों ने आप लोगों से कुछ चीज़ें हिडन रखी हुई थी, तो आज लोग आप जैसे आप लोगों को पता है कि जॉन मूवी 3 से 4 दिन के बाद रिलीज होने वाली है, तो उसकी जो कास्ट है वो फैसलाबाद आई हुई है। तो इस वक्त हम लोग स्टूडेंट एकेडमी में मौजूद हैं और आप लोग देख सकते हैं कि बच्चों का रश कितना ज़्यादा है। तो ये आज की एक्साइटमेंट है। अभी मिस्टर जो माइकल है वो परफॉर्म कर रहे हैं स्टेज के ऊपर। मिस्टर माइकल में बहुत सी क्वालिटीज़ हैं, आप लोग देख सकते हैं, ये बड़े अच्छे परफॉर्मर हैं मिस्टर माइकल। थोड़ी परफॉर्मेंस दिखाए मिस्टर माइकल के लिए। मिस्टर माइकल काफ़ी आवाज़ें निकाल लेते हैं, बहुत ही पुराने मतलब ऐसे हैं, अच्छे कमेडियन हैं, रश नजर आवे, बच्चे का ना रश नजर आवे। साइड पे जाओ बेटा। तो इस वक्त पूरी कॉस्ट आ चुकी है जॉन मूवी की, देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मूवी के बारे में कुछ बताएंगे? हमारी मूवी जॉन आ रही है 14 जुलाई को सिनेमाज में, पाकिस्तान भर में लग रही है। उसमें रुमैसा है, मैं हूँ, रजा सम्मू हैं। तो हम अभी आए हैं इधर स्टूडेंट एकेडमी फैसलाबाद में उसको प्रमोट करने। प्लीज़ सब लोग जाएं 14 जुलाई को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग आए उनको थोड़ा थैंक यू कह देते हैं। और एक दफा अपने लिए भी तालियां बजा दी। थैंक यू। अच्छा, इस मूवी के बारे में कहूंगा। बात तो सुन लो पहले। जी जी, प्लीज कंटिन्यू। द मूवी जॉन
ये जो मूवी है इसका लीड कैरेक्टर आशी ने निभाया है। कहानी बड़ी सिंपल, मैं आपको छोटे से पैराग्राफ के अंदर बता देता हूँ कि बेसिकली एक सिंपल तो जब जॉन क्राइम की दुनिया में उसकी जिंदगी मिल जाती है तो किस तरह क्या होता है, बेसिकली द फिल्म इज ऑल अबाउट दैट। तो मैं बहुत ज्यादा स्पॉइल नहीं कर रहा, इस फिल्म में आपको रोमांस थ्रिलर क्राइम सब मिलेगा। इट्स अ मिक्सचर, इट्स अ ब्यूटीफुल ब्लेंड। वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है फैसलाबाद? सब लोग आए हैं सपोर्ट करने, इतना खूबसूरत शहर है, उससे ज़्यादा खूबसूरत यहाँ के लोग हैं। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू, मेरा पहला बार है फैसलाबाद में और मुझे लग रहा है मैं बहुत जल्द वापस आऊँगा इधर। हमने एक छोटी सी कोशिश की है, एक जॉन नाम की फिल्म बनाई है, उसमें ये सारे खूबसूरत लोग हैं और 14 जुलाई को ये आ रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, लवली वर्ड्स, थैंक यू सो मच। अब हम आप लोगों को जो है वो वेलकम बुके पेश करना चाहेंगे। रजा समूह जी, बेसिकली मैं आपको बता दूँ, ये मुझे तो आर्ट मूवी लग रही है, लेकिन जो हमारी यहाँ की ऑडियंस है, जो लोग हैं, वो मेरे ख्याल में अभी तक उन्हीं वो डांसेस मांगते हैं, उन्हीं चीज़ों को मांगते हैं। तो यहाँ पे जो बच्चे मौजूद थे तो वो भी कुछ इस तरह की ही ख्वाहिशात का इजहार कर रहे थे। क्योंकि तू एक जमादार है, जमादार, और जमादार गरीब होता है और गरीब की कोई इज्जत नहीं होती। अच्छा वाला तुझे जगा दिया वरना तेरे फैकल्टी हो जाता। जिंदगी ऐसी है मेरे दोस्त, अभी आए थे अभी निकल लिए। जी रजा समो, इनके लिए भी एक दफा तालियां होनी चाहिए, शोर भी होना चाहिए। अच्छा मुझे मेरे सीक्रेट सोर्सेस में इंफॉर्मेशन दी है कि आपको फैसलाबाद पसंद है काफी सेंस ऑफ ह्यूमर की वजह से। लगा कि शायद ये ऐसा कैरेक्टर है जिसमें मैं अपने आप को प्रूव कर सकूंगी कि आई कैन बी एन एक्टर टू, तो दैट वाज वन ऑफ द रीजन आई सेड यस। तो आप दोनों का फेवरेट को एक्टर कौन है? मेरे वाकई में झूठ नहीं बोल रहा, बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मेरे दोनों फेवरेट को एक्टर मेरे साथ खड़े हैं, मुनेसा खान और दोनों ही मेरे फेवरेट। अब स्टेज है ऊपर जा रही है नहीं नहीं यार, मेरे तो सलीम मेरा खड़ा जा रहा है, वन एंड ओनली, वो बहुत टैलेंटेड है भाई। जब मुझे पता चला था ना कि इस फिल्म में दाऊद का रोल कर रहे हैं सलीम भाई, तो मैंने वैसे ही यस कह दिया था, क्योंकि आपने देखा होगा उनका काम, बड़े वो टैलेंटेड है और बड़ा ऑनर की बात है कि इतने ज़बरदस्त बच्चे हुए एक्टर के साथ काम करना। तो सलीम मिराज 100%। हम आप लोगों के साथ एक वीडियो बनाना चाह रहे हैं, अगर वो पॉसिबल है। फैसलाबाद आए हैं, दुनिया को तो बताएं इस खूबसूरत शहर आए हैं।
रेडी हैं आप लोग? हाँ, जैसे ही मैं कैमरा आपको की तरफ करूँ भरपूर शोर मचाए, जरा फैसलाबाद की गूंज जाए। ये हम टीम जॉन आई थी फैसलाबाद और यहाँ पे रिस्पॉन्स चेक करें। रुमैसा खान and one another name Radha Samo will be here with them. Rumaisa Khan and Ashir Bajahal Rao. Take a selfie. Zara raise your hand. Kisne leni?
अब हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं गोल्डन बाउल में। इसकी जो एक्चुअली जो हमारी कॉस्ट है वो गोल्डन बाउल पे आ रही है। तो लेट्स सी, लाइटफुल गलियों में तो लोगों का जो एप्रिसिएशन थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो लोग काफ़ी एक्साइटेड थे उनके मूवी के प्रीमियर के लिए। अब लोग गोल्डन बाउल में पहुँच चुके हैं। कास्ट कैसी पहुँचेगी तो हम आप लोगों को दिखाएंगे, और यहाँ पे भी लोगों की जो एक्साइटमेंट है जो रिव्यूज़ हैं वो दिखाएंगे। हमारा जो है वो खाने का टाइम है, डिनर टाइम हो रहा है। डिनर के लिए हम लोग गोल्डन बाउल में आए हैं। बाकी पूरी टीम भी हमारे साथ है। तो जम्फर भाई आ गए हैं, सारा कुछ है, खाने का टाइम है। बड़ा मज़ा आ रहा है, काफ़ी टेस्टी है, और जिनकी सर्विसेज हैं बहुत ही अच्छी हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है। काफ़ी कोऑपरेटिव स्टाफ है, और जो फूड की क्वालिटी है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है। गोल्डन बाउल किनार रोड पे है, आप लोग ज़रूर विज़िट कीजिएगा। आ जाए शाहद भाई को तो भूख बिल्कुल नहीं थी। शाहद भाई भूख नहीं है आपको? क्यों, क्या कुछ खा के आए थे आपने? लड़की गले से कुछ खाया था आपने? भी कुछ खाया था ना खाना आपने? तो आपने फेवरेट से खाना खाया था। खाना बहुत ही टेस्टी है, और इन लोगों की सर्विसेज भी बहुत अच्छी हैं। आप लोग ज़रूर विज़िट कीजिएगा, क्योंकि हमारी टीम है, हम लोगों ने यहाँ पे खाना प्रेफर किया। तो कल का तो मुझे प्लान नहीं है, तो पता नहीं है, लेकिन बहरहाल किनार रोड के ऊपर है गोल्डन बाउल, जो आइएगा। बाकी टीम इन्जॉय कर रही है, हम भी इन्जॉय कर रहे हैं। थैंक यू। अच्छा, आप लोग वैसे भी सबको ऐसी सर्विस करते हैं या हम लोगों को सर्व कर रहे हैं? सर आपको सर करें, ठीक है। जब आप लोग आएंगे तो आप लोगों को खुद करना पड़ेगा। थैंक यू। इंजॉय कर रहे हैं सब लोग। इससे पहले हम लोगों ने सूप पी है फिश क्रैकर्स से, और अब प्रॉपर खाना आ गया। ये था हमारा आज का व्लॉग, इसको हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि हमारी कास्ट जो है वो जितने भी आज उनके विज़िट थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो गोल्डन बाउल पे हमारा लास्ट विज़िट था, हम लोगों ने कर लिया। डिनर बड़ा अच्छा था यहाँ पे, वो भी कर लिया। तो आप लोगों को हमारा ये व्लॉग बहुत पसंद आएगा। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।